श्रीमते वीरनाथाय स्वनाथाय अद्भुत महानंद सरोराज मरालाय नमः। स्वीटी ने चिंतू को कहा, स्वीटी ने चिंतू को कहा, मैं तेरे हर एक दुख में साथ दूं। तब चिंतू ने कहा, लेकिन मुझे तो कोई दुख ही नहीं। स्वीटी ने कहा, शादी के बाद की बात कर रही, जरा अलग से भगवान की करुणा कहती है कि मैं तेरे हर एक सुख में साथ, और हम कहते हैं अनंत काल में मैंने कभी सुख देखा ही नहीं। जो सुख देखा था वो भी आभास था, और वो सुख का आभास भी मेरे लिए तो भयंकर दुख की परंपरा परम ही निमित्त बन गया। मैंने तो सुख कभी देखा ही नहीं है, और भगवान की करुणा हमको कहती है मेरे साथ, यानी परमात्मा की करुणा के साथ एक बार तू नाता जोड़ दे, बाद में तू सुख का ही अनुभव कर। जो परमात्मा की करुणा ही जीव को अंदर के सही सुख की अनुभूति करा दे। आत्मानंद क्या चीज होती है, वो जो प्रभु की करुणा से ही प्राप्त होती है। वो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान जिन्होंने खुद अलग अलग भवों में अनेक प्रकार की वेदना सहन करके हमारे लिए मोक्ष मार्ग सीधा और सरल बना दिया। समझो कि पुत्र पर आने वाली आपत्ति मम्मी खुद के सर पर झेल लेती है और पुत्र का मार्ग सीधा कर देती है। बस उसी प्रकार की करुणा परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की है कि हमारे पर, क्योंकि हम सीधे नहीं, हमारे पर आने वाली सारे आपत्ति भगवान ने 27 भाव में झेल ली और हमारे लिए मोक्ष मार्ग सीधा और सरल बना दिया। मात्र एक ही कंडीशन है, परमात्मा के शरण में चलना। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने दो बार नरक, एक बार सीका भव, असंख्य बार एकेंद्र का भव, 10 बार देवलोक का भव और 14 बार मनुष्य का भव, 27 भव की ये भूमिका। सातवीं नरक में गए क्योंकि त्रिपुष्ट वासुदेव ने भयंकर कोटि की क्रोध रौद्र ध्यान हिंसा के और परिग्रह के ही भूमिका में रहने का काम किया था। त्रिपुष्ट वासुदेव हुआ उसके पीछे कारण विश्वभूति है। 1000 वर्ष की आराधना को रिवेंज लेने के नाम पर, मैं बदला लूंगा इसके नाम पर उन्होंने इतनी सुंदर आराधना का खर्चा कर डाला। जो आराधना उनको मोक्ष में ले जाने के सक्षम थी, वो आराधना से उनको दो दो बार नरक और एक बार तिर्यंच गति, उसके बाद वापस असंख्य भव एक एक देखा। ये सारा चक्कर चला 22वां भव अब तथा भव्यत्व और भवितव्यता अनुकूल होती जा रही है। 22वें भव में भी मनुष्य, राजकुमार, जगत के जीवों को परमार्थ रसिक मनुष्य कैसा होता है इसका परिचय देने वाला ये भव। जगह जगह पर अनेक प्रकार के प्रसंगों में ये राजकुमार ने मात्र परमार्थ का ही काम किया। दूसरों को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे जीवन को भी गौण करके मैं दूसरे को किस तरह से सहायता कर सकता हूँ, तीर्थंकर की पूर्व भूमिका किस तरह की होती है, जो विशेषण दिया गया ललित मिश्रा में अकाल परमार्थ रसिका एते, ये जो विशेषण दिया गया है वो विशेषण की कुछ झलक वो 22वें भव में दिखाई। जिसका एक प्रसंग मैंने पहले बताया था, कोले माला में आता है के एक स्त्री विधवा हुई लेकिन पति मराए मानने को लिए तैयार नहीं।
वो जंगल में चली गई थी पति का शव लेकर। तब यही राजकुमार ने, मेरी भी पत्नी मर गई है, वो नाटक करके उसी को, उसकी बुद्धि को ठिकाने पर लाने का काम। और ये प्रसंग कुवलई माला में बताया गया। ये भावी से भाव में भगवान महावीर स्वामी ने भरपूर परमार्थ दिखाए। देवी से भाव में प्रिय मित्र चक्रवर्ती, महावीर क्षेत्र, मुका नगरी और प्रिय मित्र चक्रवर्ती, सामान्य थे चक्रवर्ती का पूर्व भाव। सामान्य तौर से चक्रवर्ती का पूर्व भाव या तो देवलोक का होता है या तो नरक का होता है। पूर्व भाव में चक्रवर्ती या देवलोक में या नरक में, उसके पूर्व भाव में चक्रवर्ती ने कोई विशिष्ट कोटि की संयम वगैरह की आराधना की होती है, जिसके बल बूते उसको चक्रवर्ती की पड़ी हुई। जोरदार कोटि की आराधना साधना जब करते हैं, जैसे कि शरद कुमार चक्रवर्ती की बात आती है, पूर्व के तीसरे भाव में जिन धर्म नाम का शावक अग्नि शर्मा नाम के तापस द्वारा अपमान हुआ, उनके ही पीठ ऊपर खीर की गरम गरम थाली रखी गई, भयंकर वेदना सहन किया। जब थाली वापस निकालने गए तो साथ में चमड़ी भी निकल गई। लेकिन जिन धर्म ने जो समता भाव रखा और बाद में ग्रुस द पृष्ठ अनशन किया, 2 महीना श्मशान में रहने का, अपनी पीठ खुली रखने की, ऊपर जो गीत घूमते रहते वो उनकी पीठ पर बैठते खून और मांस टुकड़ा लेते आकाश में उड़ जाते। इस तरह तक 2 महीना उग्र कोटि का कष्ट सहन किया। महान श्रावक था, श्रावक की एक जबरदस्त कोटि की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था और वो देवलोक में गया और वहां से शरद कुमार चक्रवर्ती। तो सामान्य तौर से नियम है कि चक्रवर्ती पूर्व के तीसरे भाव में कोई विशिष्ट कोटि के साधक होते हैं, उसके बाद में देवलोक में जाते, कभी कभार नरक में भी जाते और बाद में चक्रवर्ती बनते। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के लिए जो 63 शिला का पुरुष वगैरह ग्रंथों को देखते हैं, तो 22वें भाव में भी मनुष्य थे और 23वें भाव में महावीर क्षेत्र में मुका नगर में 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती वैराग्य भाव लेकर आए हुए। 6 खंड जीत गए, पुण्योदय जबरदस्त कोटि का था, जबरदस्त कोटि की समृद्धि, नौ निदान, 14 रत्न, 16,000 देवों का अधिष्ठान, 84 लाख हाथी घोड़ा रथ, 96 करोड़ की सेना, 96 करोड़ गांव, 32,000 राज्य, 32,000 कैपिटल, 72,000 बड़े नगर, 64,000 रानी, बहुत बड़ा परिग्रह। बाह्य परिग्रह जबरदस्त पति का था, लेकिन अंदर का भाव वैराग्य से भरा हुआ था। जो मरीचि के भाव में वैराग्य था, जो उसके भाव राज्य भाव में भी वैराग्य चला, जो विश्वभूति के भाव में वैराग्य था, वो वैराग्य का अंडर करंट प्रवाह चल रहा था। बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंडर यही वैराग्य चल रहा था। और इसीलिए वो मेल में होते हुए भी जंगल की भूमिका में, कहा जाता है कि जनक विदेही को राजा होते हुए भी विदेही की पदवी मिली। विदेही का अर्थ है शरीर में रहते हुए भी शरीर से निर्लय, देह यानी शरीर, शरीर में रहते हुए भी शरीर से देह से बिल्कुल निर्लेप, बहुत ऊंची भूमिका पर जाते हैं, उसको विदेही कहा जाता है। और जनक राजा को विदेही की पदवी मिली थी। राजा होते हुए भी महल में रहते, रानियों के साथ रहते, माल विस्तार भोजन सब करते, और फिर भी उनको विदेही की पदवी मिली। तो एक बार मंत्री ने राजा को पूछ लिया, मैं आपको देख रहा हूं, आप में और मेरे में या दूसरे में कोई फर्क नहीं है, आप मेल में रहते हो, रानियों के साथ रहते हो, भोजन वगैरह सब करते हो, सारी अनुकूलता भोग रहे हो, आपको दुनिया विदेही क्यों कहती है, आप में ऐसी क्या विशेषता है।
विनय का अर्थ है कि सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलिप्त रहना, जैसे दलदल के बीच में रवा कमल उसके ऊपर उठता है, इसी तरह से सबके बीच में रहकर भी सबसे अलिप्त रहना, ये विनय की भूमिका। आपने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर है आपके अंदर, प्राणियों के साथ रहने के बाद भी आप ब्रह्मचारी हो, भोजन करने के बाद भी आसक्त नहीं होने के कारण आप अगर उपवासी हो, महल में रहते हुए भी आप अपनी निर्लय दशा के कारण परम हंस की भूमिका में हो, तो मुझे आपको पूछना है ये आपने कैसे अचीव किया, यह भूमिका आपने कैसे प्राप्त की। जनक ने कहा अवसर आने पर जवाब दूंगा। 2-5-10 दिन बीते नहीं, मंत्री से एक छोटी सी कोई गलती हुई। राजा ने मंत्री को कहा गलती छोटी है, अगर प्रजाजन को ये गलती पर सजा दी जाए तो बिल्कुल सामान्य गति की सजा होती है, लेकिन आप मंत्री हो, आप अधिकारी हो, आप जो ऊंचाई पर हो और आपने गलती किया है, आपकी गलती माफ नहीं हो सकती है, आपको कल सुबह फांसी सूली पर चढ़ाया जाएगा, आपके लिए एक ही सजा, सजाए मौत। मंत्री तो सिया भी हो, राजा है भाई, यहाँ कोई अपील का चांस ही नहीं है। राजा ने कहा कल सुबह आपकी फांसी पक्की है, फिर भी आपने इतने साल तक मेरी सेवा किया है, तो मैं चाहता हूं तेरे को फेयरवेल भोजन दिया जाए, अंतिम भोजन तेरे साथ किया जाए, क्योंकि तूने आज तक मेरी सेवा की है। सभी अधिकारी वर्गों को, मित्र मंडल को, सबको बुलाया गया और सबके साथ मंत्री को सेंटर में रखकर बाजू में राजा बैठा है, और जा जात की रसोई सबके सामने राजा ने जाहिर कर दिया कल उनकी फांसी है, मौत है, लेकिन मंत्री के रूप में जो सेवा किया है वो सेवा की कदर करने के नाम पर आज मंत्री को पसंद पड़े इस तरह से सारा भोजन कार्यक्रम किया गया है। हम सबको मंत्री को आग्रह करेंगे, अनेक प्रकार की मिठाई है, अनेक प्रकार के पर्सन है, अनेक प्रकार के व्यंजन है, हम मंत्री को आग्रह करके भोजन कराएंगे, और सब आग्रह कर करके मिठाई प्रसाद वपरा रहे। जमनवार पूरा हुआ, राजा और मंत्री बैठे, मंत्री को राजा ने पूछा आपको कौन सी मिठाई पसंद आई, आपको कौन सा प्रसाद पसंद आया। तब मंत्री ने कहा राजा साहेब गांव के ऊपर नमक क्यों लगा रहे हो, कल सुबह मेरी मौत है और आज मुझे मिठाई में स्वाद आएगा, कल सुबह मेरी फांसी मुझे दिखाई दे रही है और आप पूछते हो कि कौन सा प्रसाद अच्छा था, क्यों क्यों मेरे गांव पर नमक लगा रहे हो, मुझे कोई मिठाई में स्वाद नहीं आया है, कोई प्रसाद में स्वाद नहीं आया है, क्योंकि मुझे मेरी मौत दिखाई देती है, मिठाई खाई लेकिन मिठाई का स्वाद पता नहीं है, प्रसाद खाया लेकिन प्रसाद का स्वाद पता नहीं है, मुझे तो मेरी मौत दिखाई दे रही है। तब राजा ने कहा आपने मुझे पूछा था आप विदेही कैसे, आप सबके बीच में रहकर के सब सबसे अवली तो कैसे, इसका जवाब यही है, तेरी मौत तो कल है, मानो कि होगी तो भी कल है, 24 घंटे के बाद है, और तेरा आज का भोजन का स्वाद चला जाता है, मुझे हर एक दूसरी क्षण मौत की दिखाई देती है, मुझे संसार के कार्यों में कहाँ आनंद आएगा, और इसीलिए मैं जो जवाब जनक का वो भूमिका प्रिय मित्र 6 खंड के अधिपति थे, सारे प्रकार की समृद्धि थी, लेकिन मन अंदर अंदर करण में वैराग्य चल, मान रहा है कि ये सारा पुण्य खर्च करने का माहौल है, और अगर दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा, पुण्य का खर्च तो है साथ में पाप का उपार्जन, दोनों एक साथ में चलेगा, दो भूमिका है, पुण्य का उपभोग अनाशक्त भाव, तो पाप पाप की कमाई नहीं, पुण्य का उपभोग आसक्ति का भाव, पाप की कमाई, पुण्य का उपभोग है लेकिन आसक्ति नहीं है तो पाप की कमाई नहीं है, पुण्य का उपभोग है लेकिन आसक्ति है तो पुण्य गया पाप उपार, या प्रिय मित्र ये भूमिका में है। और उसी में एक दिन अपनी टेरेस पर है,
शाम का समय है, पश्चिम दिशा में देख रहे हैं, सूर्यास्त होने की अभी थोड़ी तैयारी है। सूर्य लगभग बहुत सारा झुक गया है, उनके किरण बादलों पर पड़ रहा है। बादलों की सुंदर कोटि की चमक, एक सुंदर कोटि का दृश्य देखने को मन लग जाए, इसी प्रकार का है। काले बादल पर सुवर्ण जैसे कलर का किरण जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है। देखते रह गए हाँ, उस वक्त आईफोन नहीं था, एंड्रॉइड नहीं था, हम वैराग्य के अवसर को मात्र क्लिक करने के अवसर मान लेते। जो अवसर वैराग्य का अवसर होता है, वो हम क्लिक करके फॉरवर्ड करने का अवसर ही मान लेते। गड़बड़ हमारी यहाँ, अद्भुत कोटि का वो सौंदर्य देख रहे थे और सूर्यास्त हो गया। जोरदार पवन भी आया, एक और सारे बादल वापस काले हो गए और थोड़ी देर में तो इधर उधर तितर बितर। देखा जाए तो ये दृश्य में कुछ नया नहीं है, नथिंग इज न्यू। ऐसा तो अगर आप हमारे साथ बिहार में आओ तो आपको भी देखने को मिलेगा। शाम के समय में बार बार देखने को मिलता है, आकाश में थोड़े बादल है, सूर्य का किरण है, सुंदर कोटि का दृश्य है, मेघ धनुष इंद्रधनुष बनता है, सूर्यास्त हो जाता है, सब काला काला हो जाता है, नथिंग इज न्यू। ये कोई नई बात थोड़ी, रोज होता है, लेकिन बात नई नहीं है, दृष्टि नहीं, घटना तो वही की वही होती है। देखने का ढंग और देखने का रंग अलग अलग कोटि का होता है। आज तक तो हमारी दृष्टि सौंदर्य को पकड़ने का, काला को देखकर तिरस्कार करना, यही हमारी दृष्टि थी। एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण, नया एंगल। सीधी बात है, न्यूटन को ही सर पर सफरजन पड़ा है, पेट पर से सफरजन गिरा, वो न्यूटन के अवसर पर पहली बार बनी हुई घटना थी, आज तक कभी नहीं बनी थी। बराबर है, बराबर है भाई, बार बार बनी थी घटना, कोई नई नहीं है। वो घटना ने न्यूटन को अलग ढंग से देखा, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आया। अंगूठी तो हमारे हाथ में से भी गिरती है, नहीं गिरती है, खास करके गिरती है नई अंगूठी, नई अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, और हमने अंगूठी पहनी हुई है, डायमंड की नई अंगूठी है, और किसी के साथ बातें चीतें करना है तो उनको पता चलना ये अंगूठी नहीं है और डायमंड, और इसलिए हम बार बार ऐसा ऐसा करते थे, उसकी भी नजर जानी चाहिए, ये क्या ऐसा ऐसा कर रहा है, पूछे क्या हुआ, कोई खुश भी आते तो कि नहीं नहीं ये अंगूठी यार नहीं लिया, और ये ने बता मैं गिरती भी है, नहीं गिरती ऐसा कोई नहीं है। अंगूठी आज तक मैं बहुत सारी बार गिरी, बहुत बार गिरी, बहुत बार गिरी, लेकिन भरत चक्रवर्ती को नहीं दृष्टि। अंगूठी तो कितनी बार गिरी होगी, कितनी सारी चीज गिरते हैं, दिन भर में कितनी सारी चीज गिरते हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने नई दृष्टि प्राप्त की, तो केवल ना बात यह है, घटना नहीं नहीं होती, घटना नहीं नहीं होती। अभी नवरात्र गया, उसके पहले गणपति गए, जन्माष्टमी वगैरह गए, बड़ी धमा धमी होती है, बराबर है। जब वो कार्यक्रम पूरा हुआ, उसके बाद में वो स्थान को देखो, कितना कचरा, क्या क्या पड़ा नहीं होता है, कैसी कैसी भूमिका, कल जहाँ नाचते थे गाते थे, कोई गणपति की स्थापना करके आरती वगैरह जप करते थे, दूसरे दिन हो गए तो गणपति भी अगर रहा हो तो उसके सामने कोई देखने वाला नहीं है, वो स्थान के ऊपर सब कचरा पड़ा हुआ है। कल जो पूजनीय स्थान था, आज कचरा पेटी हो गया है। मैं पूछता हूँ, ये बात नहीं थोड़ी तो होता ही है, हर एक प्रसंग के बाद यही होता है, इसमें कोई सवाल नहीं है, हर एक बार यही होता है, जहाँ कार्यक्रम हुआ वहां गंदगी होती है, नया कहाँ है। लेकिन एक हमारे प्रत्येक बुद्ध हो गए, कल कल जिसको हमने ध्वजा मानकर सलामी दिया था, आज वो ऐसा गिरा हुआ है और लोग उसके ऊपर थूकते, बस इतना दृश्य देखा, एक नया देख लिया,
जब तक पुण्य है तब तक पूजा है, पुण्य पूरा हुआ सब थूकने वाले, और उसके पर से तो कल्याण। बात यह घटना नहीं नहीं होती है, घटना को देखने का ढंग अलग। और यहाँ प्रिय मित्र परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का तेवी स्वभाव, घटना तो सिंपल ही थी, सूर्यास्त हो गया, बादल चले, बात पूरी हो गई, घटना तो वही थी। लेकिन ये प्रिय मित्र वापस कहता हूँ, शुरू से वैराग्य को अंडर करंट चालू रखा था, और इसीलिए ये प्रसंग को पाकर ये वैराग्य हाथ करके प्रगट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी वायर में तो चल ही रहा था, जब आपने इसके अंदर ग्लोब लगाया और स्विच ऑन किया, प्रकाश प्रकाश हो गया, लेकिन करंट तो चालू ही था, करंट तो चालू ही था, ग्लोब ने वो करंट प्रगट कर दिया। अंदर प्रिय मित्र के अंदर वैराग्य तो चालू ही था, ये प्रसंग ने वैराग्य का विस्फोट कर सर्वमणिक्य सर्वम क्षणिकम, ये चक्रवर्ती पद भी क्षणिक है। आज मैं चक्रवर्ती हूं एक बहू के लिए, शायद अगला वो साथी नरक का भी हो सकता है। आयुष्य कब पूरा होगा पता नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती का भी बाप है यमराज। दुर्गा रथे पर नरावृति कलितम दर्दा बलम अस्खलितम, शान सुधारस के असरण भावना में बताया, चक्रवर्ती को भी यम राजा जिस तरह से मच्छी मार छोटी मछली को उठा के फेंकता है, मच्छी मार पानी में से मछली को पकड़ के फेंकता है, जिस तरह से यम राजा की ताकत चक्रवर्ती को भी इसी तरह से उठाकर फेंक कर सातवें नरक में फेंकने की ताकत यम राजा की है, यानी यम के सामने चक्रवर्ती का भी चलता नहीं है। ये झटका लग गया पूरे मित्र को कि यम राजा आकर मुझे उठाकर कहीं फेंक रहे, इसके पहले मुझे जाग जाना और सोचना नहीं है, सोचकर करना है। सोचने में तो हम भी बहुत आगे, जैसे तो सोचने में तो हम भी बहुत आगे, या जो ना प्रवचन सुनते तो सोच लेते बस जीवन में कुछ नहीं, हमारे सामने बताया ना दीक्षा ही ले लेंगे, सोचते तो बहुत है, लेकिन बाहर जाने के बाद क्या स्टोरी होती है वो हम जानते हैं। सोचते तो बहुत है हम, लेकिन हम तो कैसे पापड़ है, सेका हुआ पापड़ है, यहाँ सेका गया पापड़, बाहर की हवा लगी तो वो पापड़ कैसा हो गया, हम तो सेके हुए पापड़ जैसे। लेकिन ये प्रिय मित्र मात्र सोचकर उठे, अंदर का वैराग्य विस्फोट हो गया है। सच बोले दीपावली आई, सफाई काम हो गया, पूछता हूँ सफाई काम हो गया, अपने पूछता हूँ कि सफाई काम में क्या क्या निकाला, घर में से आपने सफाई काम करके क्या क्या निकाला बोलो, सब घर में सफाई काम हो गया है, क्या क्या, तो क्या 20-25 पुस्तकें पढ़ी थी निकाल दी, दो चार बेटका पड़े थे निकाल दिया, वो दो चार पुरानी मोमबत्ती थी निकाल दी, वो पुराने भगवान के पोता को दे गए थे निकाल दिया, सब घर में सफाई हो गई। सफाई हो गई यानी क्या हुआ है, सफाई हो गई यानी धार्मिक किताब निकल गई, बेटका चरोला मोमबत्ती निकल गए, कोई भगवान का पोता यंत्र क्या का अंदर नीचे आता है, मैं नीचे हम जाते भगवान को, मैं सोचना चाहता हूँ ये सब सफाई कर रहे हैं तो साथ में कितने स्टील के बर्तन आए, कितने ग्लास आए, कितनी चमची आए, सफाई कर रहे हैं तो ये सब भी निकल गया होगा। पूछता हूँ बोले, एक नियम, एक नियम दे दो, एक बरस तक जिस चीज का उपयोग नहीं हुआ हो वो चीज निकाल ले, धारणा बिगड़ा, क्या प्रॉब्लम है, चलो और एक चैलेंज, बस एक बरस तक जिसका उपयोग नहीं हुआ है और एक बरस तक उपयोग होने वाला नहीं है, बस जो है सब निकाल डालना। हम मोबाइल में बरसों से पड़े हुए, कभी जिसको फोन नहीं किया है उसका फोन नंबर डिलीट करने के लिए भी तैयार नहीं, नहीं, वो डिलीट को कभी काम में आएगा उसको भी रख लेते, आगे क्या बोलना। थोड़ा भी छोड़ना कितना मुश्किल है, अगर आपके घर का देरासर का शुद्धिकरण होता है, देरासर का शुद्धिकरण होता है,
कार्यक्रम दो करने जैसा है, दो कार्यक्रम हो जाए, एक उपवास है शुद्धिकरण, क्योंकि आप लोग मानते हैं कि उपवास एक डंपिंग ग्राउंड है, आप लोग यही मानते हो डंपिंग ग्राउंड है, कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई पीओपी प्लास्ट क्या बोलते हैं वो थर्मोकोल की कोई भी आइटम वगैरह बनाया, बहुत अच्छा है, रख लो, भविष्य में काम आएगा, क्या काम आएगा किसको पता है, यहाँ की जमीन स्क्वायर फीट का भाव क्या चलता है, स्क्वायर फीट का भाव क्या चलता है, मुफ्त 5 या 10 हजार रुपये का भाव होगा ना, जितने स्क्वायर फीट का जितना भाव है इतनी महंगी चीज आप रखते हो इधर, डंपिंग ग्राउंड है, राखो डालो, कचरा पेटी बना दिया पास है, जो आज जरूरी नहीं है कल के नाम पर क्यों रखते हो मुझे पता नहीं, जब कल काम में आने की बात होगी ना तो वो काम में नहीं आएगा, धूल धूल से भरा हुआ है, काम में नहीं आने वाली है, लेकिन आपका मन इतना छोटा बन गया है, नहीं खड़ाएगा, कल काम में आएगा, कल काम में आएगा, एक उपवास का शुद्धिकरण करने जैसा है, एक आप सभी का घर शुद्धिकरण करने जैसा है, क्या क्या भरा हुआ है घरों में, क्या क्या भरा हुआ है निकलता नहीं, मुझे ये कहना है हम पुरानी आधी फती हुई चीज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने एक धड़ाके में 6 खंड 9 निधान 14 रत्न क्या क्या नहीं छोड़ा, एक झाक के सब छोड़ दिया, जैसे कोई तिनका ना छोड़ा हो, एक झाक के में सब छोड़ दिया, और परम वैराग्य से साधना, ये उनकी सही साधना थी, रास्ता सीधा था, अब तक साधना में पीछे पड़ते थे, अब रास्ता सीधा होने का, अभी भवी देवता ने हरी झंडी दे दिया है, तथा भव्य तभी अनुकूल हो गया है, आगे बढ़ो प्रोसीड, सब अनुकूल हो गया है, तो प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने 2300 भाव में जबरदस्त कोटि की वैराग्य भरी आराधना किया, एक चक्रवर्ती का शरीर कितना कोमल होता है, कितना कोमल, क्योंकि उनका भोजन 1 लाख सुवर्ण मुद्रा एक थाली का होता है, इतना भोजन जो शरीर माल पानी विगई भोजन से ही बना हुआ है, यानी इतना कोमल शरीर होता है, वो प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने उग्र कोटि की साधना किया, एक बात उनके नजर में थी, एक भिखारी भी भोजन करता है, एक चक्रवर्ती की भोजन करता है, ये सोचने की अशुचि भावना जो चक्रवर्ती की होती है, जब भिक्षा ले लेता हूँ वो अशुचि भावना में जाता है, एक भिखारी भी भोजन करता है, भीख मांगकर जो खाने को मिला उसका वो भोजन करता है, जिसकी थाली की कीमत शायद 10 रुपया भी ना हो, इस तरह का भोजन करता है, एक चक्रवर्ती भोजन करता है जिसका मूल्य 1 लाख सोना पड़ता है, दोनों का भोजन दूसरे दिन विष्ठा बनता है, तो चक्रवर्ती को तो झटका लगना चाहिए, कल की विष्ठा के लिए आज मैं 1 लाख सोना मर का भोजन कर रहा हूं, झटका लगे जाता है, जो विवेकी है वो चक्रवर्ती साधु बनने के बाद यह सोचता है कि आज तक मैं कितना मूर्ख रहा, ये दे, ये शरीर अशुचि का घर है, गंदगी का घर है, उसकी गंदगी को बढ़ाने के लिए मैं रोज लाख लाख सोना उनका भोजन लेता था, मूर्ख, आज उसका हिसाब पूरा करना है, और उग्र कोटि की साधना, साधना के बाद 25वां भाव 24वां भाव देवलोक, 25वां भाव अतिशय महत्व का भाव, नंदन सुंदर स्वप्न से सूचित राजकुमार सभी प्रकार के गुणों से भरा हुआ राजकुमार 24 लाख वर्ष की उम्र हुई, तब पिता राजा ने सोचा कि मेरा राजकुमार राज्य सत्ता संभालने के लिए संपूर्ण तैयार योग्य हो चुका है, ये कौन से समय की बात है, वासुपूज्य और विमलनाथ भगवान के बीच वाला समय, वासुपूज्य तीर्थंकर के में हो गए, विमलनाथ तीर्थंकर होना बाकी है, यही भरत क्षेत्र में ही, ये भरत क्षेत्र की ही कथा है, वासुपूज्य हो चुके हैं, विमल लाख होने का बाकी है, वासुपूज्य भगवान का आयुष्य था 72 लाख बरस, विमल लाख भगवान का आयुष्य था 60 लाख बरस, इनके बीच वाला काल चल रहा,
और ऐसा कहने के पीछे भी कारण है, भगवान 20 सागरों तक 10वें देवलोक में रहने वाले हैं, उसके बाद में मायूर स्वामी होने वाले। तो ये 20 सागरों इतना काल पूर्व में चले जाए तो कौन से तीर्थंकर होते। तो होता है कि वासुपूज्य हो गए, विमला थोड़ा बाकी, तब तक मैं 20 सागरों को पूरा होने। तो 72 लाख बरस का आयुष्य वासुपूज्य का, 60 लाख बरस का आयुष्य विमलनाथ भगवान का। ये बीच वाला काल एक सामान्य तौर से भी अगर आयुष्य माना जाए सामान्य, तो भी 60 लाख तो मिनिमम हो सकता है। उस वक्त का काल 24 लाख बरस के नंदन राजा, 24 लाख बरस के हुए पिता राजा को लगा अब ये नंदन हर एक प्रकार से योग्य हो चुका है, और उन्होंने नंदन को राजा बनाया। मिच्छानुक्रम जवान में भी आते ही उनको राजा बना दिया है, और राजा के रूप में 24 लाख बरस बिताया। राजा पिताजी ने राज्य सत्ता सौंपी, क्योंकि उस के काल में एक भूमिका थी कि पुत्र योग्य सक्षम संभालने के लिए समर्थ हो गया तो पिताजी निवृत्ति ले लेते थे, उसके सब पर भार रख लेते थे। बाद में पिताजी क्या करते, घर में रहकर बात बात पे टांग नहीं लगाते, हाँ ये निवृत्ति आपकी सही रूप में निवृत्ति नहीं है, निवृत्त होकर घर में रहना और बार बार लड़के को बीच बीच में टांग लगा, ए तूने धंधा में क्या किया, उसमें क्या किया, उसमें क्या किया। वो फिजूल का, लड़के को पप्पा पसंद नहीं होते, पप्पा को लड़के की नीति पसंद नहीं आती है, परिस्थिति बहुत विपरीत हो जाती है। वो घर में रहता है तो पुत्र वधू कहती है आप दुकान जाओ या उपवास से जाओ, दुकान जाते हैं तो लड़का कहता है पप्पा इधर क्यों आए, आप उपवास से जाओ। उपवास से जाने का तो मन ही नहीं है, क्योंकि इसकी कभी भी अनुभूति नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं की है। वो बेचारा घर से जाता है दुकान, दुकान से जाता है घर, घर में घर, पुत्र वधू मान नहीं देते, दुकान में आते तो लड़का बहुत छोटा करता है, ये निवृत्ति है। और इसमें बात बात में टांग लगाने का, बेटा ऐसा नहीं कर, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा नहीं कर, ये थोड़ी निवृत्ति है। अगर आपको निवृत्त होना है सही रूप से, सही रूप से निवृत्त होना है तो सब सब लिया, बाद में दीक्षा लो, नहीं लेनी, समर्थ नहीं, नहीं ले लो, कोई बात नहीं, चलो पाली थाना चले जाओ, रहूंगा पाली थाना, वहां साधु साधवी भगवान की भैया सेवा करूंगा, बहुत सारे साधु साधवी भगवान थे वहां जाकर सेवा करूंगा। चलो वो भी नहीं करना है, कोई प्राचीन तीर्थ को पकड़ लो, कोई प्राचीन खुना में रहो तीर्थ जहाँ लोगों के आना जाना बहुत कम है, चलो वो तीर्थ के लिए कुछ मैं करूंगा, वहां सेवा भक्ति दूंगा, वहां परमात्मा की भक्ति वगैरह करूंगा। मुझे क्यों संसार के साथ नाता रिश्ता रखू, मेरे को समर्थ क्यों रखना संसार के साथ। ये आधी निवृत्ति आप लोगों की बहुत भारी पड़ती है, पूरे पूरा निवृत्त होना चाहिए। तो पूर्व के काल में ये नियम था कि राजकुमार सक्षम हो गया, उसको राजा बना दिया, फिर जो राजा थे वो या तो जंगल में चले जाते या तो रिक्शा ले, बात पूरी हो गई, अभी जो जाने वो लड़का जाने। तो इस तरह से नंदन को राजा बना दिया था, 24 लाख बरस की उम्र तक वो राजा। पोत्तिलाचार्य नाम के आचार्य भगवान पधारे, धर्म देशना हुई, धर्म देशना सुनी, जो प्रिय मित्र चक्रवर्ती का वैराग्य था वो चालू ही था, परमात्मा मावी स्वामी की भूमिका यानी वैराग्य की भूमिका। मरीचि के भाव में भी वैराग्य थी, परंपरा ये चली थी। पोत्तिलाचार्य का उपदेश, 24 लाख बरस की उम्र में दीक्षा लिया, जवान में दीक्षा लिया या बुढ़ापा में, बोलो। वापस कहता हूँ, विमलनाथ भगवान का आयुष्य कितना है, 60 लाख बरस, ये 60 लाख बरस और ये 24 लाख बरस। तो 24 लाख बरस 60 लाख बरस की अपेक्षा से जवान हुआ है कि बुढ़ापा है, जवान हुए में दीक्षा, दीक्षा लेते ही अंदर करुणा भावना ऐसे जागृत हो गया। महावीर शरीर में बताया 20 स्थानक की आराधना कितनी पराकाष्ठा की भूमिका से किया, अर्जुन की भक्ति
भीष्म तनक में अरियन की भक्ति आती है सबसे पहले, तो अरियन की भक्ति में ऐसे ऐसे गुम हो, मेरी पंजास पड़ी हुई पूज्यपाल कलापन उस ने पंजास पढ़ी दिया, पंजास पड़ी पूरी और लगभग करीब दोपहर को 1 बजे हम सब उपासना में गए, आचार्य भगवान पधारे, पूछा कहाँ गए, तो वो शस्त्र फना देना सर सूरत में उठी, कहता है कि वहां उन्होंने कम से कम 24 तीर्थंकर के 24 स्तवन मिल दिए, सब स्तवन वगैरह बोलकर बाद में 1.5-2 घंटे के बाद भगवान की भक्ति में। अरियन की भक्ति, जब भगवान की भक्ति का भाव है तब सब भूल के भगवान में, अरियन की उपासना, अरियन के वचन की उपासना, दूसरे नंबर में सिद्ध भगवान, सतत सिद्धों की भूमिका का चिंतन करना, अनंत सिद्ध भगवान अनंत आनंद में है, यहाँ कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं, सब पराकाष्ठा के आनंद में है, और ये सिद्ध की भूमिका इतनी अद्भुत गति की है, शरीर नहीं कर्म नहीं राग नहीं द्वेष, किसी को साथ नहीं किसी को सकार नहीं, किसी को आड़े आड़े नहीं आना है, किसी को अड़ना नहीं है किसी को नड़ना नहीं, क्या सिद्ध भगवंतों की भूमिका है, मेरा चले तो सभी जीवों को लेकर एक संग निकालू, एक संग निकालू संसार से मोक्ष का, और सभी को ले जाओ मोक्ष, प्रवचन चतुर्विश संग, कैसे मैं संघ की भक्ति करूं, मेरे गुरु भगवंत आचार्यों की सेवा करूं करता ही रहूं, आचार्य भगवंत जो भी स्थवीर है वो सभी स्थवीरों की आराधना, मुझे ज्ञान देने वाले उपाधि भगवंतों की आराधना, एक साथ में 20-20 प्रकार के 20 स्थानक की जबरदस्त कोटि की आराधना शुरू किया, उसके नाम से तपस्या भावना अप्रमत्त भाव सतत उपयोग सतत ज्ञान दशा में ही रहना, संघ के प्रति वात्सल्य भाव, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव, उछलता गया उछलता गया उछलता, एक प्रकृष्ट कोटि की भावना उदय में आई, रात को नींद नहीं आती है, आंख में से आंसू बहते रहते, संथारा गीला हो जाता है, दूसरे कोई साधु पुण्य नगर करने आए तो पता चलता है पूरी रात ये महात्मा रोए हुए, तो महात्मा को साधु को रोने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, तो एक ही कारण बस एक ही भूमिका, ये सारे मेरे मेरे मित्र मेरे स्वजन सवाल ये सभी जीव है, और बेचारे सभी जीव सुखी होने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कैसे कैसे प्रयत्न करना है, और फिर भी बेचारे जीव दुख दुख दुख, ओ बेचारा वो कुत्ता हड्डी को चबाता है मानता है कि मुझे उसमें से रस मिला है, लेकिन वो कुत्ते को पता नहीं है तू जब हड्डी चबाता है तो हड्डी में तेरे तेरे ही दांत का खून निकलता है, जो तू चाहता है तू मानता है हड्डी में से मुझे स्वर्ण मिल रहा है, ये हड्डी का नहीं है तेरा ही खून है, और तू चबाता है तेरा खून जाता है, हड्डी चबाते चबाते वो मूर्छित हो जाता है, भान गवा लेता है, थोड़ी देर के बाद वापस भान में आता है, वापस हड्डी को देखता है, वापस हड्डी को चबाता है, बेचारा वो कुत्ता उसको पता नहीं है तू तुझे ही कष्ट देकर सुखी होने की कल्पना कर रहा है, और तू उसी कारण मूर्छित होता है, बस जगत के जीव मानता है कि मुझे इसमें सुख मिलेगा इसमें से सुख मिलेगा इसमें से सुख मिलेगा, सुख कहीं नहीं है, ये सुख के नाम पर तू तेरे ही पुण्य को खत्म करता है, दुर्गतियों में चला जाता है, वापस मनुष्य बनता है, वापस बाहर की दुनिया में सुख ढूंढने जाता है, वो कुत्ता बार बार हड्डी चबाता है, बेचारे संसार के बार बार संसार के भोग में जाते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव यातो, है समय नहीं जा रहा है हम जा रहे हैं, आज बचपन आज युवानी आज प्रौढ़ावस्था आज बुढ़ापा आज स्मशान यात्रा,
मैं जा रहा हूं, समय नहीं जा रहा। भोग, मैं उपभोग कर रहा हूं, नहीं, भोग मेरे तत्व को, मेरे सत्व को, मेरे वीर्य को, मेरी ताकत को, मेरे पुण्य को खा रही है। भोगा ना भुगता वही मैं भुगता। ये जो भावना चल रही है, बेचारे जगत के सारे जीव सुखी होने के लिए दौड़ते हैं। वो राजस्थान के रेगिस्तान में वो बेचारा मृगला, पानी वहां मिलता है, दौड़ वहां गया, वहां जाता है तो गर्म रेत मिलती है, पानी आगे वापस दौड़ता है, पहुंचता है वहां गर्म रेत है, आगे पानी है। वो रेगिस्तान का वो मृगला बेचारा पानी की आशा में दौड़ता रहता है, आगे आगे आगे, पानी मिलेगा, मिलता तो नहीं है, गरम गरम रेत मिलती है, और तरस तरस से मरकर वो मरकर बेचारा मुगला धार करके नीचे गिरता है। बेचारे संसार के जीव, यहाँ सुख होगा दौड़ता है, वहां नहीं तो वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, पूरी जिंदगी सुख के पीछे दौड़ता है, मिलता कुछ नहीं है, मरता है, दुर्गति में चला जाता है, बेचारे संसार के। कब मेरे पास ऐसी ताकत आ जाए, कब मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए, कब मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि सभी जीवों को यह संसार के दुखों से छुड़ाकर, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मार्ग बताकर सबको मोक्ष मिले। ये जो करुणा भावना उछल रही है, साथ में रहे हुए साधु को पता चल गया ये कोई विशिष्ट कोटि का साधु है, इसके सामने किसी के दुख की बात भी नहीं करने की, दुख किसी का हो अगर वो सुनता है उनकी आंखों में से आंसू चलता जाता है, बेचारा कैसे सहन करता होगा। ये जो उनकी करुणा से कोमल बना हुआ दिल, करुणा से भावित बना हुआ दिल, एक जबरदस्त कोटि की भूमिका पर पहुंच गए, गुरु भगवान के पास पहले ही दिन दीक्षा के दिन ही पहुंच गए। गुरुदेव एक भावना है, एक इतने जबरदस्त कोटि की पुण्य की कमाई करनी है, मेरा पुण्य इतना जबरदस्त मुझे बना रहा है कि वो पुण्य से सभी जीवों को प्रभु का शासन दे दूं, और प्रभु के शासन से सभी की आत्मा का कल्याण कर दूं, मुझे पुण्य की कमाई करनी। गुरुदेव मुझे अनुमति दो, मांस खमन के पारने, मांस खमन करूंगा, पारना के दिन एकांश ना, जब तक ये शरीर में प्राण रहेगा तब तक मांस खमन के पारने मांस खमन करा, गुरुदेव मुझे रुकना दो, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद। क्या पराकाष्ठा की भूमिका में पहुंच गई। गुरुदेव ने भी उनका सत्व देखा, गुरुदेव ने भी उनका तत्व देखा, उसकी भावना देखी। ये भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला जीव लगता है, नहीं तो इतनी करुणा इतनी भावना कैसे होती है। गुरुदेव लगा नहीं, ये तीर्थंकर की आत्मा को अंतराय नहीं करना, ऐसी महान आत्मा को अंतराय नहीं करना है। और गुरु भगवान ने जा सुखम करू, जिस तरह से आपको भावना है पूरी करो। और ये नंदन राजर्षि ने एक जबरदस्त कोटि का यज्ञ शुरू किया, 30 दिन उपवास, एक एकासना, एक एकासना से जो मिला ताकत 30 दिन चलाने का। ये एक बार, दो बार, तीन बार, पूरा 1 लाख बरस, पूरा 1 लाख बरस, 1 लाख बरस में 11,80,645 एकासना। तो मास खमन कितने, मास खमन कितने भाई बोलो, सेम 11,80,645 मास खमन